An Academy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर. मैं ऋचा पांडे. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. बढ़ते आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट कन्वेंशन के बारे में. आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन होने वाला है, आप देखोगे ह्यूमन राइट्स का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन होने वाला है. और आप देखोगे कि ये जो कन्वेंशन है ये बहुत ही इनक्रेडिबल कन्वेंशन के तौर पर हमें देखने को मिलेगा. तो चलिए बढ़ते आगे और डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट कन्वेंशन को. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989. दोस्तों आप देखोगे कि वन ऑफ द इनक्रेडिबल ईयर्स में से माना जाता है. जब आपने देखा कि कई सारे कन्वेंशन बने ह्यूमन राइट्स के अंदर, जिसमें की बात की गई है कि कैसे हम एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करें, उनके राइट्स को सेफगार्ड करें, उनके सिविल पॉलिटिकल राइट्स को सेफगार्ड करें. जब इन सब के बारे में बात की जा रही है तो क्यों नहीं हम बच्चों के राइट्स के बारे में बात करें. वो भी तो एक इंडिविजुअल है, उनकी भी तो राइट्स होती हैं. बच्चों को आप देखोगे कि बस एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए कि ये अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं. दैट मीन्स कि इनके ये पेरेंट्स हैं और ये उनके ऑब्जेक्ट हैं. उनके भी पर्सनली आप देखोगे कि कुछ इंडिविजुअल राइट्स होते हैं जिसको कि सेफगार्ड करना हमारा कर्तव्य होता है. दैट मीन्स जो स्टेट है उसकी ये ड्यूटी होती है कि ये उनके भी राइट्स को सेफगार्ड करें. तो दोस्तों आप देखोगे कि 1989 में वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया, वो एक साथ मिल करके आए और उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चों के जो राइट्स होते हैं उनको भी सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है. और इस वजह से आप देखोगे फिर 20th नवंबर 1989 में द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड इसको फॉर्म किया गया. चलिए बढ़ते आगे और डिस्कस कर लेते हैं इस कन्वेंशन के बारे में. तो 20th नवंबर 1989 में इसको फॉर्म किया गया था. कंप्लीटली ये फोर्स में आया सितंबर 1990 में. एज ऑफ जनवरी 21st 2024 तक आप देखोगे तो इस कन्वेंशन में 196 कंट्रीज पार्टी हैं, इंक्लूडिंग एवरी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस. लेकिन इसमें दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है. ये जो है आप देखोगे कि एक स्पेशल राइट है. जब बातचीत हो रही थी तो बताया गया कि जो बच्चे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपने पेरेंट्स के सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक इंडिविजुअल है, इनकी भी कुछ राइट्स हैं. जो कि बचपना जो होता है दोस्तों आप देखोगे कि उसमें वो बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट होता है. तो उस स्टेज में या उस पीरियड में एक कुछ छोटे से बच्चे के साथ आप देखोगे तो कुछ भी हो सकता है. तो जो कुछ भी उनके साथ हो गया तो उस चीज को भी तो प्रोटेक्ट करना है. तो क्या उस इंडिविजुअल की राइट होनी चाहिए? इसी पे आप देखोगे इस पूरे कन्वेंशन में बातचीत की गई है कि उनकी भी कुछ राइट है, उनकी भी एक स्पेशल राइट बनती है जिसको कि प्रोटेक्टेड टाइम इन विच चिल्ड्रेन मस्ट बी अलाउड कि वो इस स्टेज पे, ये जो उनका ग्रोइंग स्टेज है जिसपे कि वो क्या कर सके, लर्न कर सके, सीख सके, खेल कूद सके, डेवलप कर सके, अपने आप को फ्लरिश कर सके विद डिग्निटी. यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिग्निटी की भी बात की जा रही है कि उनके पास भी चॉइस होना चाहिए खुद का कि वो उनको अगर कुछ करना है तो वो करें, नहीं तो फिर आप देखोगे कि उनका भी तो एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा. एक बड़े एक अडल्ट इंसान का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो बच्चों का तो ईजिली हो सकता है ना. तो आप देखोगे कि इसी स्पेशल जो ये बच्चे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन बनाया गया. सो दैट कि उनके ये जो राइट्स है उसका वायलेशन ना हो और उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ना हो सके. इस वजह से आप देखोगे कि जो स्टेट्स हैं, जो भी इस कन्वेंशन के जो रेटिफाई किया हुआ है स्टेट्स ने, उनकी ये ड्यूटी होती है. 196 कंट्रीज ने आप देखोगे कि इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था. तो उनकी एक तरीके से आप देखोगे ड्यूटी है, ऑब्लाइज्ड है वो कि उनको अपने स्टेट के जो बच्चे हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की बात इसमें की जा रही है. चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों. तो इस कन्वेंशन में आप देखोगे कि चाइल्ड जो ये टर्म है ये किसके बारे में बात हो रही है. चाइल्ड के अंदर क्या जो 18 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं क्या उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है या फिर सिर्फ कुछ ही साल तक के लिए इंक्लूड किया गया? तो आप देखोगे इस कन्वेंशन के तहत 18 इयर्स के अंडर अंडर जो बच्चे होंगे उनको चाइल्ड के तौर पर माना गया है. दैट मीन्स की 16, 17, 15 उससे भी जो नीचे बच्चे होंगे तो इसके 18 ईयर के अंदर जो भी बच्चे होंगे उनको चाइल्ड माना गया है और उन्हीं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की इस कन्वेंशन में बात की जा रही है. चिल्ड्रंस राइट्स एंड हाउ गवर्नमेंट शुड वर्क टुगेदर टू मेक देम अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रंस. दैट मीन्स कि इस कन्वेंशन में बात की गई है चिल्ड्रन के राइट्स के ऊपर और कैसे एक गवर्नमेंट जो है एक कंट्री की उनके राइट को प्रोटेक्ट करे तो उस चीज पे वो काम करे और ये जो राइट है हमको, दैट मीन्स कि हर एक जो बच्चे हैं उनको अवेलेबल कराए, ये उस स्टेट की, ये जो जो स्टेट के गवर्नमेंट है उनका ये काम है. Under the terms of the convention, governments are required to meet children's basic needs. ठीक है, बच्चे जो होते हैं
उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, मान लीजिए जो खाना हो गया, स्कूल जाना हो गया, है ना, अच्छी पढ़ाई हो गई, तो ये इनकी बेसिक नीड्स है, उनको फुलफिल करने का भी एक तरीके से ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट का। इसलिए आप देखोगे कि इंडिया में भी बोला गया ना कि 14 साल के अंदर या 14 साल तक जो बच्चे हैं उनको प्राइमरी स्कूल में उनको फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है ना। तो इसी कन्वेंशन के तहत आप देखोगे कि जो हमारी कंट्री के जो लॉज होते हैं वो कहीं ना कहीं इन इंटरनेशनल कन्वेंशन से ही इन्फ्लुएंस होके आते हैं। तो ये जो चाइल्ड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, इनके राइट्स के बारे में बात हो रही है, उनकी बेसिक राइट्स के बारे में बात हो रही है, तो उसी से आप देखोगे डिराइव होकर के स्टेट जो होते हैं क्या करते हैं, अपनी अलग अलग लॉज बनाते हैं, ठीक है। जिसमें कि आप देखोगे कि इंडिया के अंदर बताया गया ना कि 14 ईयर्स के जो बच्चे होंगे उनको स्कूल्स में फ्री एजुकेशन, जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी एंड हेल्प देम रीच देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है, वो ग्रो करें लेकिन अपने फुल पोटेंशियल के साथ ग्रो करें। UNCRC यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है आप देखोगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी के तौर पे भी देखा जाता है, जिसमें कि ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का ये कन्वेंशन है जिसमें कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो NGO हम कहते हैं जिसको, उनको ये ड्यूटी दी गई है कि वो सेफ करे चिल्ड्रेंस को, अ डायरेक्ट रोल इन ओवरसीइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन अंडर आर्टिकल 45A। आप देखोगे इस कन्वेंशन के अंदर कई सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो 45A के अंदर आप देखोगे कि नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको डायरेक्ट एक तरीके का रोल इसमें दिया गया है कि वो जो इस कन्वेंशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट वो भी करा सकते हैं, जो कि इस आर्टिकल के अंदर उनको ड्यूटी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं अब उनको आप एक्सेस कर सकते हो RP कोड को यूज करते हुए, जिसपे कि आपको 35% का ऑफ भी मिल जाएगा। प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर में हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, प्रयागराज ऑफलाइन सेंटर में हमारे एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। जो हमारे GS फाउंडेशन प्रोग्राम है 25-26 के, तो हमारे बैचेस 23 जनवरी से हो रहे हैं स्टार्ट। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं, बताए गए हैं, जिसके के साथ प्राइस भी दिया गया है, तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। काउंसलिंग फॉर्म को जरूर से जरूर भर ले दोस्तों, इससे रिलेटेड कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि काउंसलिंग फॉर्म को भरोगे आप तो उसमें जो RP जो एडुकेटर कोड पूछता है उसमें RP10 जो कोड है उसको जरूर से जरूर डालें, ठीक है। नंबर दिया, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज जो है वो आपकी एड्रेस कर दी जाएगी। काउंसलिंग फॉर्म को घर बैठे बैठे भर सकते हो, इससे आपको घर बैठे बैठे जानकारी मिल जाएगी। मुखर्जी नगर में भी एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट, जो हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है वो 25-26 का 29 जनवरी से ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे कई सारे अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिसपे की 35% का ऑफ लगाया जा रहा है। RP10 कोड को यूज करिए और इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ऑफर जो वैलिड है 24 जनवरी तक ही ऑफर वैलिड है, तो खुद को जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल करवा लीजिए। जो हमारा करोलबाग का ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे भी 27 जनवरी से क्लासेस हो रही हैं स्टार्ट। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज देख रहे हो आप, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कोर्सेज को। 35% का ऑफ लगाया जा रहा है, ऑफर वैलिड है 24 जनवरी तक। नंबर दिया गया, इस नंबर पे भी कॉल कर लीजिए। वापस से चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। तो आप देखोगे कि जो ये बच्चे हैं इनके कई सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है ना, और जो भी इस कन्वेंशन के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस है, उनको इम्प्लीमेंट कराने की बात की जा रही है स्टेट पार्टीज के द्वारा। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से जो राइट्स हैं जिसको कि प्रोटेक्ट करने की ये कन्वेंशन बात करता है। लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों के जिसको कि प्रोटेक्ट करने की बात की गई है इस कन्वेंशन के अंदर। लाइफ, सर्वाइवल और डेवलपमेंट, एक बच्चे की जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, सर्वाइवल जो है उसको भी प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, और डेवलपमेंट कि उसका प्रॉपर जो ग्रोथ है वो हो, उसमें जो पोटेंशियल हो वो उस पोटेंशियल के साथ वो अपना जो ग्रोथ है वो करें, है ना। ये नहीं कि मतलब वो उसके पास इतनी क्षमता है कि वो कुछ अच्छा अपने लाइफ में कर सकता है, कुछ अच्छा बन सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से वो पीछे हट जा रहा है, तो उसके लिए भी इस कन्वेंशन में बताया गया कि उसको हेल्प जो है वो की जाए। दैट मीन्स कि वो भी उसकी राइट है और उस राइट को सेफ गार्ड करने की यहाँ पे बात की जा रही है। इसी के साथ सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब मान लीजिए कि उसके पास प्रॉपर खाने की चीज़ नहीं है, ठीक है, और वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, भुखमरी से मर रहा है, तो उसको वो जो राइट टू फूड है, दैट मीन्स कि उसको उस खाने का अधिकार है जो कि इस कन्वेंशन के तहत बताया गया है कि उसको भी प्रोटेक्ट करना है, स्टेट जो पार्टीज हैं इस कन्वेंशन की उनको, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस, अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, तो एक बच्चा जो होता है बहुत ही वल्नरेबल होता है, आप सबको पता है, तो उनको वायलेंस से बचाना है, अब्यूजेस जो है उनके खिलाफ जो होते हैं उससे बचाना है, और नेग्लेक्ट अगर वो हो रहे हैं सोसाइटी में तो उससे भी उनको बचाना है। एन एजुकेशन दैट एनेबल्स चाइल्ड और चिल्ड्रेन टू फुलफिल देयर पोटेंशियल, तो ऐसा एजुकेशन आप प्रोवाइड करें उनको जिससे कि वो फुलफिल कर सके अपने पोटेंशियल को।
टू बी रेस्ड बाई और हैव अ रिलेशनशिप विथ देयर पेरेंट्स, ठीक है, तो उनको ऐसे रेस किया जाए जिससे कि उनकी अच्छी रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ हो. एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड टू बी लिसन्ड, उनको सुना भी जाए, वो अपने ओपिनियंस जो है वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, उनको भी सुना जाए, समझा जाए, और वो जो कह रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस जो है उसको भी समझा जाए. तो इसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि उनको भी वो प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. आप देखोगे कि इस कन्वेंशन के तहत कुछ तीन प्रोटोकॉल्स जो हैं वो लाए गए हैं. ठीक है, तीन ऑप्शनल प्रोटोकॉल. पहले दो के बारे में बात कर लेते हैं. तो इनको 5 मई 2000 में इन प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट किया गया था. पहला जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है वो बात करता है रिस्ट्रिक्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स. तो मिलिट्री में जो बच्चे हैं उनको ना भेजा जाए, और ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें बच्चों को ना भेजा जाए. दैट मीन्स कि आपने सुना होगा कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, छोटे छोटे बच्चों को उसमें भेज दिया जाता है, वो भी गन्स शूट कर रहे हैं. तो ऐसे चीजों को यहाँ पे प्रिवेंट करने की इस कन्वेंशन में बात की जा रही है. ठीक है, दूसरा है ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो कि प्रोहिबिट करता है सेल ऑफ चिल्ड्रेन, कि बच्चों की जो तस्करी है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो ना की जा सके. चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन जो है वो ना किया जाए, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो भी यहाँ पे मना कर रहा है कि ऐसे भी काम जो है इस प्रोटोकॉल के तहत बच्चों के साथ नहीं होने चाहिए. थर्ड जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, दिसंबर 2011 में इसको ऑप्ट किया गया था, जो कि है बात करता है रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ कंप्लेंट्स. ठीक है, कि कंप्लेंट जो है वो भी सुने जाए, जिसको कि इफेक्ट में लाया गया था इस प्रोटोकॉल को 14th of April 2014 में. ठीक है, तो ये कुछ तीन ऐसे इस कन्वेंशन के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आप देखोगे कि एडिशनली और बच्चों के साथ क्या क्या नहीं होना चाहिए, या फिर बच्चों को किन किन और चीज़ों से प्रिवेंट करना है उसके बारे में ये बात करता है. आई होप कि दोस्तों आपको ये जो कन्वेंशन है ये समझ में आ गया होगा. और ये जो कन्वेंशन है ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स पे. तो इसको जरूर से जरूर अच्छे तरीके से पढ़ें, अपने प्रिपरेशन में इसको जरूर से जरूर इंक्लूड करें. चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों. तो इस कन्वेंशन के अंदर आप देखोगे कि एक कमिटी भी बनाई गई है, जिसमें कि जो ग्रीवियंसेस हैं या फिर जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे चेक किए जाते हैं, रिव्यू किए जाते हैं, एग्जामिन किए जाते हैं. तो यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड करके ये कमिटी है, जिसमें कि 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सुपरवाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन. कि ये जो कन्वेंशन है ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो स्टेट पार्टी है उसके द्वारा, या नहीं किया जा रहा है, तो इस पे ये क्या करती हैं, रिव्यू करती हैं, ठीक है, उसको प्रॉपरली सुपरवाइज करती हैं. देयर गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एंड अपीयर बिफोर यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड. तो इस कमिटी के सामने जो भी स्टेट पार्टीज हैं जिन्होंने भी रेटिफाई किया है इस कन्वेंशन को, उनके सामने उनको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना पड़ता है कि उन्होंने क्या क्या प्रोग्रेस किए हैं, क्या क्या जो उनके रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइन है उन्होंने क्या फॉलो किया है उसको या नहीं फॉलो किया है. तो इन सारी चीज़ों को ये अपने रिपोर्ट में लिखते हैं, और रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है उसको सबमिट कर देते हैं. पीरियोडिकली रिपोर्ट ये अपनी सबमिट करते हैं, जिसको कि एग्जामिन करता है ये कमिटी ऑन देयर प्रोग्रेस रिगार्डिंग द एडवांसमेंट. ये जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन इस कन्वेंशन का किया है उसमें क्या एडवांसमेंट हुआ है, क्या प्रोग्रेस देखने को मिला है इस कन्वेंशन का, और जो स्टेटस है चाइल्ड्स जो चाइल्ड के राइट्स का उनके कंट्री में वो कैसा है, पहले जो स्टेटस था अभी इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या स्टेटस उस कंट्री में देखने को मिल रहा है. तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वो रिपोर्ट तैयार करके उनको सबमिट करते हैं. तो अगर पूछा जाएगा कि कौन सी जो सुपरवाइजिंग कमिटी है इस कन्वेंशन की, तो कमिटी ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है वो इस कन्वेंशन के तहत आपको देखने को मिलेगी, जो कि सुपरवाइज करती है और रिव्यू करती है, एग्जामिन करती है इनके रिपोर्ट को. ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो कन्वेंशन है ये समझ में आया होगा, इसका जो पर्पस है, इसको क्यों लाया गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरीके से किया जा रहा है, ये सारी जो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. चलिए बढ़ते हैं आगे. अब मैं आपको हमारे जो क्रैश कोर्सेज आप सबके लिए लेकर के हम आए हैं, सीसैट और प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स, तो इनके बारे में बता देती हूँ. 29 जनवरी से सीसैट की जो क्रैश कोर्स है करोलबाग के ऑफलाइन सेंटर में आप सबके लिए वहाँ पे कंडक्ट की जा रही है, जिसका कि कोर्स भी है 20,000. तो जल्द से जल्द दोस्तों एनरोल करवा लीजिए अपने आप को. प्रीलिम्स की जो क्रैश कोर्स है वो भी 22 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, कोर्स भी 25,000 है, खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए. करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रॉपर एड्रेस दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जाकर के इन क्रैश कोर्स को ले सकते हैं. ठीक है, अब मैं आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ. अगर आप जो हमारे काउंसलिंग फॉर्म्स होते हैं उनको अगर आप भर करके हमारे ऑफलाइन सेंटर में आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. फ्री डेमो क्लासेस, ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, वन ऑन वन मेंटोरशिप, एडुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा, और फ्री मैगजीन लाइब्रेरी और वाईफाई की जो ये सुविधा है आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में मिलेगी. तो जल्द से जल्द खुद को हमारे इस ऑफलाइन जो कोर्सेज हैं उनमें
तो जल्द से जल्द जो हमारे ऑफलाइन कोर्सेज है उनमें खुद को एनरोल करवा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियंस को। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट कि हमारी जो अपकमिंग अपडेट्स हैं इंपॉर्टेंट आप सब तक पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। An Academy. Let's crack it.